हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूसी इंजीनियर एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यूके पीएससी जेई 45 दिन का स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, तो आपके कैसे आप सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ सकते हैं, कितना वेटेज है, किस बुक से आपको पढ़ना है, जिनने अभी तक नहीं पढ़ा है वो भी अच्छे से पढ़ सकता है। और पिछले बार देखिए, एक एक महीने में भी यहाँ पे सिलेक्शन लिया गया है यूके पीएससी में। ऐसा नहीं कि नहीं लिया जा सकता है, बट लिया जा सकता है, ठीक है। बट जितना बोल रहा हूँ उतना कर लेना, उससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा आपका पेपर, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स आज हम देखेंगे, ऐसे हम सोम का देखेंगे, सारे ही हम टॉपिक को लेंगे और सारी सब्जेक्ट को इसमें लेंगे हम। आप लोग अगर नए हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी, जब मैंने इसको एनालिसिस करा तो यूके पीएससी जेई में ये हमारे पास कितने मार्क्स का रहा, ये जो आपके पास देख सकते हैं सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियर की, इसमें बात करूंगा मैं कितने यहाँ पे क्वेश्चन रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर में देखा गया 40 क्वेश्चन यहाँ पे रहे हैं, ये 40 से भी अबव हो सकते हैं इस बार क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा, यूके पीएससी या उत्तराखंड या एसएससी जेई सबसे ज़्यादा सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज पूछता है। तो सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज इस बार बढ़ सकता है, ये 45 क्वेश्चन तक जा सकता है। ओके, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, अच्छे से तैयार कर लीजिए और जो बताऊंगा मैं उसको आप फॉलो कर लीजिए। और बात कर लें हम, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है गाइस, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आपके पास यहाँ पे ये कोई यहाँ पे 40 क्वेश्चन, बहुत हमने यहाँ पे सिलेक्शन आपको दिलाने में मदद कर जाएगा। 40 मतलब 80 मार्क्स तो आपके पास इसी से आ जाएंगे, तो आपको देख सकते हैं। तो इसको स्किप ना करके जाइए, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। अभी हम बात करेंगे कैसे आपको पढ़ना है। देखिए गाइस, सबसे पहले आप कर लीजिए यूके पीएससी के जितने भी आज तक यूके पीएससी हो, चाहे यूके एसएससी हो, यूके पीएससी हो, ओके, यूके अर्बन का जो एग्ज़ाम हुआ था वो, या यूके पीएससी एई के पेपर, जेई के पेपर, उसके बाद ड्राफ्टमैन के पेपर, जितने भी उत्तराखंड में आपके पास पेपर हुए, यूपीसीएल का पेपर, ए का पेपर, जितने भी पेपर हुए हैं सबको कलेक्ट करके सब पूरा सॉल्व करिए, तो आपके पास वहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेटजी आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं सॉइल मैकेनिक्स के। तो ये आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं सारे पेपर निकाल के। ओके, पहली आपके पास स्टेप ये रहेगी, ठीक है। फिर सेकेंड में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं इसमें। आपको क्या करना है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू करना है। सबसे पहले थ्योरी पढ़ोगे आप, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उत्तराखंड के ही करने हैं। ओके, इसके बाद अगर आप इतना कर लेते हैं तो ऑल सॉल्व पीवाईक्यू, यानी कि सारे ही आपके पास स्टेट के, खासकर यूपी उत्तर प्रदेश के जितने भी आज तक जेई के पेपर हुए हैं वो आपको पूरे सॉल्व करके जाने हैं। उत्तर प्रदेश के ही बोल रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकता है। ओके गाइस, अब बात कर ले हम इसकी, आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से बन जाते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें इसमें, देखिए सबसे पहला आपके पास बन जाता है फंडामेंटल टर्म एंड रिलेशनशिप। सबसे पहला यहाँ पे आप देखेंगे पिछले बार 11 क्वेश्चन रहे हैं, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की वो वीडियो आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, 11 क्वेश्चन इसी से रहे, फंडामेंटल टर्म्स एंड रिलेशनशिप 11 क्वेश्चन, यानी कि आपसे सहवाग का फॉर्मूला पूछ लेगा, ठीक है। यहाँ से ई निकालने के लिए, वॉइड रेशियो निकालने के लिए, या वाटर कंटेंट निकालने के लिए पूछ सकता है, या डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालने के लिए बोल सकता है। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूले आ सकते हैं। ओके गाइस, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए इस बार भी। यहाँ पे जब इंडेक्स प्रॉपर्टी, सेकंड में बात करें इंडेक्स प्रॉपर्टी, उसने अलग से दिया है, तो इंडेक्स प्रॉपर्टी से भी यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। लगभग लगभग 15 क्वेश्चन इंडेक्स प्रॉपर्टी से रहेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में इंडेक्स प्रॉपर्टी कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें सब होगा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो आप इसमें बहुत बड़ा भी है यहाँ पे, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। सेकेंड नंबर में हमने इसको रखा है। फिर इफेक्टिव स्ट्रेस अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसमें कन्फ्यूजिंग रहेंगे। ओके, तो आप लोग इसमें जितने ज़्यादा एमसीक्यू इसके कर सकते हो कर लीजिए। ओके गाइस, फिर बात कर ले हम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल वो टॉपिक होता है जो कई स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, यही गलती कर जाते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको अच्छे से इसको करके जाना, यही मेरिट डिसाइड करते हैं। अब बात कर लें अर्थ प्रेशर थ्योरी भी, आप पढ़ के जाइए,
पांच छह टॉपिक है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास मेरिट बेस यही करेगा, यहाँ पे सिलेक्शन आपको बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ही दिलाने वाला है, यानी कि फाउंडेशन का पार्ट जिसमें दो आ रही है फाउंडेशन में, डीप फाउंडेशन और सेलो फाउंडेशन, सेलो एंड डीप फाउंडेशन दोनों ही पूछी जा रही है, तो आपके पास से प्रिपेयर करके जाना है आपको। ओके गाइस, अब बात कर ले हम इसमें बुक के बारे में, बात कर ले कौन सी बुक बेस्ट है। इसकी बुक के बारे में बात करें तो सिविल बूस्टर सबसे पहले मैं प्रेफरेंस देता हूँ, तो उत्तराखंड में सिविल बूस्टर। ओके गाइस, तो इंग्लिश वाले सिविल बूस्टर ले सकते हैं, और हिंदी वाले बात कर लें, अगर हिंदी वालों को एक खन्ना पब्लिकेशन की बुक आती है, वो बेस्ट बुक है खन्ना पब्लिकेशन की। ओके, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर हैंड बुक आती है UPSSC JEE की, तो उसको भी आप ले सकते हैं हिंदी वाले। ओके, वो भी अच्छी है, बट खन्ना पब्लिकेशन ज़्यादा बेटर रहेगी। सेकेंड में बात कर लें आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाने हैं, गुप्ता और खुरमी के ही ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, ज़्यादा यूथ के चक्कर में ना पड़े। ओके गाइस, और इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, गुप्ता और खुरमी के क्वेश्चन लगाइए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बुक आपको सिविल बूस्टर ही लेनी है। टेस्ट सीरीज लेना ना भूलें, टेस्ट सीरीज एनालिसिस प्रिपरेशन आपको करनी ही पड़ेगी। ओके, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज में कौन कौन से आपके लेवल का पता चलेगा, और जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको कृपया करके आपने डाउट में लिखें, एक नोटबुक में लिखें, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपको ये इसी तरह पढ़ना है, ये बुक ले लीजिए अभी भी, और आपके पास खुरमी और गुप्ता के लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उत्तराखंड के जितने भी हैं पूरे टोटली लगाइए, तो बहुत ज़्यादा वेटेज है सॉइल मैकेनिक्स का, तो इसको आप स्किप करके ना जाइए, और जितनी ज़्यादा आपके फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे उतना आपके पास सिलेक्शन रहने के चांसेस रहेंगे। बार बार थ्योरी पढ़ के यहाँ पे सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता है, तो जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे आपको बेनिफिट होगा, टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए। ओके गाइस, तो अब आपको कैसी ये वीडियो लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और हम लोग अब अगली बार में सॉम की बात करेंगे, सॉम को आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। ओके, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, SFD BMD के इंपॉर्टेंट है, बेंडिंग स्ट्रेस कौन से टॉपिक नहीं आ रहे ये भी बताएंगे हम उसमें, जैसे मोहर सर्कल आपके इसमें नहीं है सिलेबस में। ओके, तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है। अगर हम बात करें आपके पास 45 डेज बचे हैं, इसमें 45 डेज में आपके पास एक सब्जेक्ट को आप मात्र 4 दिन दे सकते हैं एक सब्जेक्ट को, उसमें भी आपके पास क्या पढ़ना है, आपने पहले दिन आप थ्योरी पढ़िए उस सब्जेक्ट की, और 3 दिन आपके पास MCQ एंड टेस्ट सीरीज दीजिए। ओके, MCQ और टेस्ट सीरीज आपको देने ही होंगे 3 दिन, एक दिन थ्योरी पढ़ सकते हैं, 3 दिन MCQ और टेस्ट सीरीज दीजिए, आपका कवर हो जाएगा टेक्निकल, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पूरे सब्जेक्ट करके जाएंगे, जो 12 के 12 सब्जेक्ट आपके पास क्लियर हो जाएंगे एक महीने के अंदर पेपर हो तक। ओके गाइस, तो ऐसे ही आप अगर तैयारी करते हो तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सोम का एनालिसिस करने के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।